चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में जितने सुअर हैं उनमें से आधे चीन में पाए जाते हैं। या चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से ज्यादा है, या यदि हॉट एयर बलून से धरती का भ्रमण किया जाए तो चीन का यांगशो शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। इस लेख में हम चीन से संबंधित ऐसे ही रोचक और मजेदार तथ्यों का विवरण दे रहे हैं जिसे पढ़कर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 1. चीन में ग्वांगझाओ के युलिन नामक स्थान पर हर वर्ष ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले डॉग मीट महोत्सव में 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने की परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाने के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान मारे जाने वाले कुत्तों की संख्या में कमी आई है। 2. अपने बदले दूसरों को जेल भेजना। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वहां के कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई कैदी तकनीकी रूप से सक्षम है और जेल के अंदर रहते हुए उसने किसी वस्तु का निर्माण किया है तो वह उसे बेचकर अपनी सजा कम करवा सकता है। 3. सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान कॉलर में पिन लगाना। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से वह आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाता है और वे सतर्क एवं चौकन्ना हो जाते हैं। 4. सबसे लंबा ट्रैफिक जो 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। यह जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था। 5. चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। 6. मृत्युदंड देने के मामले में चीन पूरी दुनिया में अव्वल। इस मामले में चीन की अपनी अलग सोच है। वर्ष 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी। यह संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। 7. नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई है। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप की भी व्यवस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। 9. आज भी गुफाओं में रहने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या चीन में है। चीन में 3.5 करोड़ लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को योडोंगस कहा जाता है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाली सबसे ज्यादा आबादी शांक्सी प्रांत में है। 10. दुनिया में खाली पड़े शहरों की सर्वाधिक संख्या चीन में है।
जहां एक तरफ चीन की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है तो दूसरी तरफ चीन में खंडहर बन चुके ऐसे शहर भी हैं जहां कोई नहीं रहता है, इसलिए इन शहरों को घोस्ट टाउन्स कहा जाता है। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगहों पर तो पूरे के पूरे शहर ही खाली हैं और खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर और मकान हैं जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। 11. दुनिया में सबसे अधिक वायु प्रदूषण चीन में है। आए चीन पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। चीन की हवा कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना 4,000 लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़े रोजाना होने वाली मौतों का 17% है। अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इसी वजह से चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। 12. चीन में हर 30 सेकंड में जन्म लेने वाला बच्चा रोगग्रस्त होता है। चीन में हर 30 सेकंड में जन्म लेने बच्चा रोगग्रस्त होता है। चीन में हर वर्ष 12 लाख बच्चों को जन्म के वक्त ही या तो कोई बीमारी होती है या शरीर में कोई दोष होता है। 13. दुनिया भर के जायंट पांडा पर चीन का अधिकार है। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आए तो आप आंख मूंद कर यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज किराए पर खरीद लिया है और भविष्य में इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। 14. भोजन के रूप में सबसे अधिक बिल्लियां चीन में खाई जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इसके विरोध में समय समय पर प्रदर्शन करती रही है। 15. हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण चीन में होता है। चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि शेष 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान को, 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त वर्णित चीन से संबंधित रोचक तथ्य अपने आप में अनूठे हैं। इस तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन के लोगों का रहन सहन, खान पान एवं सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियां अन्य देशों से काफी अलग है।